हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जोसा में जो रिक्वायर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट होती है उसके बारे में। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपन ने एक छोटा सा टारगेट रखा है। अगर इस चैनल के जेई की काउंसलिंग प्रोसीजर तक में 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो काउंसलिंग, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेप होता है एक स्टूडेंट के कॉलेज अलॉटमेंट और एडमिशन प्रोसेस में, उससे रिलेटेड वीडियोज और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहूंगा। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस, इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्प्रेड करवाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन्हें भी वो सारी जानकारियां मिल पाए जिसकी उन्हें जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके मैं सारे पॉइंट डिस्कस करते जाऊंगा। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहली बात तो ये आती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड क्यों होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए वो लोग मांगते हैं, आप जानते होंगे कि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सपोज दैट माइनिंग इंजीनियरिंग की अपन बात करें अगर, तो सर्टेन कॉलेजेस हैं जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चों को इन कोर्सेज से दूर रखा जाएगा। इसी तरीके के और भी कोर्सेस हैं जिनमें की सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन्हीं सब चीजों को वेरीफाई करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बच्चे से मांगा जाता है, ताकि वो एश्योर हो पाए कि जो सर्टेन कोर्स बच्चे को अलॉट हुआ है वो उसके लिए मेडिकली फिट है भी या नहीं। अब अगली बात ये आती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट किन किन बच्चों के लिए जरूरी है। मैं आपको बता दूं, मेडिकल सर्टिफिकेट उन सारे बच्चों के लिए जरूरी है जो कि जोसा की काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी कैटेगरी हो, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब अगली बात मैं आपको बता देता हूं, इसकी जरूरत कब पड़ेगी। जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, सीट अलॉटमेंट राउंड में अगर आपको कहीं भी सीट मिलती है तो उस टाइम पे रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपकी जो चेस्ट मेजरमेंट है, ये चीजें उस पे मेंशन होनी चाहिए। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ऑफ चेस्ट, यानी कि चेस्ट की मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, वो चीजें इस पर मेंशन होनी चाहिए। अगली बात, अगर अपन विजन की बात करें, विजन जो है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अगर नहीं है, ये डिफेक्टिव है, तो इसे करेक्ट किया जा सके। अगर दोनों ही आंखों में है तो 6/9 में किया जा सके, या जो भी आपका अच्छा आंख है उसमें 6/6 में किया जा सके। ये सारी चीजें मेडिकल टर्म है तो इनमें आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको कर देंगे। आपकी हियरिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, अगर डिफेक्टिव है तो वो करेक्ट किया जा सके। हर्ट्स और लंग्स के बारे में बात करें, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट हो जाएगा, सेकंड कॉलम में आइडेंटिफिकेशन मार्क, अमोल, स्कैल और बर्थ मार्क अगर आपका कोई हो तो वो मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मेजर इलनेस। मेजर इलनेस अगर कोई है तो उसका नेचर मेंशन कीजिए, और कोई ऑपरेशन है तो वो भी मेंशन कीजिए। और फोर्थ पॉइंट, आपकी हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें इस पर मेंशन होनी चाहिए। अगर कोई आपका पास्ट हिस्ट्री है मेंटल इलनेस का, एपिलेप्टिक फिट का, तो पांचवें पॉइंट में वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। छठे पॉइंट में चेस्ट के बारे में, चेस्ट की इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। सातवें पॉइंट में आपकी हियरिंग मेंशन होनी चाहिए। आठवें में विजन विद और विदाउट ग्लासेस, विद और विदाउट ग्लासेस आपकी विजन मेंशन होनी चाहिए। राइट आई, लेफ्ट आई, कलर ब्लाइंडनेस, यूनिकलर विजन अगर हो तो मेंशन होनी चाहिए। नाइन्थ पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। टेंथ पॉइंट, नर्वस सिस्टम। इलेवेंथ पॉइंट, हार्ट के बारे में मेंशन होनी चाहिए। ट्वेल्थ पॉइंट, एब्डोमेन, लीवर, स्प्लीन, हर्निया, हाइड्रोसिस, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। अगला 13th पॉइंट, अगर कोई अदर डिफेक्ट है तो वो सारी चीजें भी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे डॉक्टर का नाम, सिग्नेचर, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर और डॉक्टर का स्टाम्प मेंशन होनी चाहिए। इसके बिना मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगी। अब लास्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहां से बनवा सकते हैं।
आपके नजदीकी कोई भी डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा हो, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, सील हो, ऑथराइज्ड डॉक्टर हो, वो मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते। अगर ऐसा आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपने आसपास, तो जहां भी रिपोर्टिंग सेंटर पे जाएंगे उनकी हेल्प ले सकते हैं आप। रिपोर्टिंग सेंटर पे काफी सारे डॉक्टर रहते हैं या नहीं भी रहते हैं तो आसपास आपको मिल जाएंगे या वो लोग आपको रेफर कर देंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में अब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।